के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो जाने के। जैसे मशीन का मेन सप्लाई है, यहाँ पे ये ऑन ऑफ स्विच है, मैं अभी इसको बंद करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये ऑन ऑफ स्विच है, इसे जैसे हम चालू करते हैं ये पूरा सिस्टम ऑन हो जाता है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये टेम्परेचर होल्डर दिया हुआ है, ये कितना टेम्परेचर 300 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और ये टाइम दिया हुआ है कितने सेकंड के लिए, ये 300 सेकंड तक चलता है, 7 सेकंड्स 1 सेकंड से लेके 300 सेकंड तक चलता है। जैसे इसको आप देखिए, आप इसको अप में डालेंगे सेकंड बढ़ जाता है, इसमें डाउन में डालेंगे सेकंड कम हो जाता है। ये सेम थिंग हैपन अबाउट दिस, इसके बारे में भी वही है, इसको अप में डालेंगे इसका टाइमिंग बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, डाउन में डालेंगे नीचे होगा। सेकंड थिंग, और एक बात है, ये जो नॉब दिया गया है ये कहाँ पे इसको होल्ड करना है, मतलब इस ये जो हैंडल है इसको यहाँ पे खोले रखना है, यहाँ पे खोलना है, यहाँ पे खोलना है, ये प्लस माइनस बटन दिया हुआ है, जैसे जैसे नीचे घुमाएंगे यहीं तक खुलेगा। और वन मोर थिंग, इसके अंदर ये भी सेटिंग दिया गया हुआ है, ये लॉक सेटिंग है, इसको प्रेस करने के बाद प्रेशर कितना जनरेट होना चाहिए उसके लिए ये सेटिंग है। जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं, होल्ड कीजिए सामने से, इस तरह से दिखाइए, यहाँ से अच्छे से समझ में आए, जैसे हम इसको प्रेस करते हैं यहीं पे लॉक हो जाता है, नीचे की तरफ से ये लॉक हो गया। और फिर ना उस ना ये लॉक हो जाता है इस तरह से, और फिर खोलने के बाद में ये इस तरह से खुल जाता है। बहुत इजी टू ऑपरेट मशीन है, खाली इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो पोर्शन रहता है थोड़ा ग्रिप वाला रहता है, तो इस चीज को यहाँ पे ऊपर में कहीं पे छूना नहीं है। ये नीचे का लकड़े का पोर्शन रहता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एल्यूमिनियम का पोर्शन है, इसे भी छूना नहीं है। ये जितना भी ऊपर वाला पोर्शन है ये हाई हीटिंग टेम्परेचर वाला पोर्शन रहता है, तो इसको छूना नहीं है। बाकी मसाला पैकिंग मशीन, ये एक ही मशीन में पैक होता है, इसे कहा जाता है स्क्रबर पैकिंग मशीन। कोई स्क्रबर पैकिंग के नाम से जानता है या फिर मसाला पैकिंग के नाम से जानता है, वॉट एवर, इसके अंदर हम हर तरह की चीज पैक कर सकते हैं, खिलौने भी पैक कर सकते हैं, मसाला भी पैक कर सकते हैं, स्क्रबर भी पैक कर सकते हैं। इस मशीन का जो टेम्परेचर दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर सेट होता है और यहाँ पे टाइमिंग सेट होता है। ये जो है अभी हमने 6 सेकंड का टाइमिंग सेट किया हुआ है, और इसका जो टेम्परेचर दिया हुआ है 190 डिग्री दिया हुआ है, ये अपने आप साउंड करने लगता है। जब इसका 6 सेकंड कंप्लीट होता है अपने आप साउंड करने लगता है। सेकंड थिंग, इसकी जो ये डाई दी हुई है, अलग अलग तरह की डाई डाई आती है, जैसे राउंड शेप में, स्क्वायर शेप में, ये अलग अलग तरह की डाई आती है इसके अंदर। और जैसे स्क्वायर में रहेगा तो उसके अंदर मसाले पैक करते हैं, या फिर अलग अलग तरह के चाइनीज वाले छोटे वाले खिलौने आते हैं, बच्चों के खिलौने की गाड़ियां वगैरह आती है, उसके लिए भी अलग से डाई बना के लेना पड़ता है, वो भी इसी के अंदर पैक होता है। सेकेंड थिंग, अभी आप देखेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ये पेपर रखते हैं, पेपर रखने के बाद जब हम इसे प्रेस करते हैं, प्रेस के लिए बहुत ईजी मशीन है, बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है, खाली प्रेस कर देते हैं, और ये जब 6 सेकंड कंप्लीट हो जाएगी ये अपने आप बजर करता है, इसको ऊपर लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। सेकेंड थिंग, हम यहाँ पे दिखाएंगे अभी हम इसके अंदर क्या क्या पैक करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाटर बेस्ड कंटेंट है, बाद में ये राइस है, ये जीरा है, ये मसाला है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, ये जो स्क्रबर है, ये ब्लैक पेपर है, रेड चिली है, ये सभी हम एक ही मशीन के अंदर पैक करके दिखाएंगे आपको, राइट। अभी वन बाय वन हम इसके अंदर ये रखते हैं, आप देखिए इसका क्वालिटी, चाहिए लिक्विड हो, सॉलिड हो, चाहे कुछ भी हो, मशीन एकदम अच्छे से इसको पैक करेगा। वन बाय वन हम इसके अंदर रख के दिखाते हैं आपको, डाई को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, मिर्च पाउडर भी पैक कर सकते हैं आप इसके अंदर, ये देखिए, ये हर तरह के मसाले हमने इसके अंदर पैक कर दिए, डाल दिए हैं, ये इसके अंदर, ये इस तरह के अलग अलग इसकी ये आती है बाउल आते हैं, ये बाउल इसके अंदर रखना है, और फिर इसके बाद में इसके ऊपर हम पेपर रखते हैं, इसको अंदर सटा देंगे,
किशमिश भी आप इसके अंदर पैक कर सकते हैं, कम क्वांटिटी में चाहिए तो किशमिश भी पैक कर सकते हैं। इसके इस तरह से अंदर सटा देना है और फिर इसको पेपर को इसके ऊपर इस तरह से रखना है, एक साइड कॉर्नर पकड़ना है। अभी मैं दिखाऊंगा 6 या 7 सेकंड के अंदर ये पूरी तरह से पैक हो जाएगा, पूरा सील पैक। इसको प्रेस कर देना है, प्रेस करने के बाद में 7 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिकली ये बजर करता है। बजर करने के बाद में फिर से हम इसको उठाएंगे, इसको ऊपर उठा दिया राइट। अभी हम दिखाते हैं ये पूरा के पूरा जितना भी मटेरियल है ये पूरा पैक होके इसके अंदर आया है, देख सकते हैं आप इसको। ये देखिए, ये काली मिर्च है, काजू है, ब्लैक पेपर है, किशमिश है, ये रबर है, ये लिक्विड देख सकते हैं आप। लिक्विड कहीं से भी लीकेज नहीं है, आप इस लिक्विड को भी देख सकते हैं, कहीं से भी लीकेज नहीं है, देखिए राइट। ये सब मल्टीपर्पज मशीन है, मल्टीपर्पज मशीन है, इसके अंदर आप जो चाहिए वो प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। आप सोचिए आपको इसके अंदर क्या निकालना है, आपके आइडिया के हिसाब से मल्टीपर्पज मशीन है। जैसे हमने कहा मसाले है, स्क्रबर है, टॉयज है, बाद में छोटे छोटे लिक्विड के ये आते हैं, जेली वगैरह आते हैं, वो भी इसके अंदर पैक होते हैं। खाली ये जो ढांचा है, ये डाय है, ये और इसका जो ये ऊपर का प्लास्टिक का माउल है, ये खाली आपने चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। अब इसका मशीन का स्क्रबर पैकिंग के लिए, मसाला पैकिंग के लिए, टॉयज पैकिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें जेली पैकिंग के लिए, ऐसे अलग अलग चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहिए तो हम आगे नीचे यूट्यूब में ये फोटो भी भेजेंगे कि इस मशीन का किस चीज़ के लिए पैकिंग के लिए यूज़ होता है, ओके। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल दिए गए उसके ऊपर क्लिक कीजिए या फिर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। इस मशीन के बारे में जो भी और अगर जानकारी चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन हो या ऑर्डर करना हो तो इसे आप ऑर्डर कीजिए।